लाइटरूम में ऐसी ब्लू लाइट फोटोज कैसे एडिट करते हैं आज के ट्यूटोरियल में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपने अपना लाइटरूम को ऐप खोल लेना है और अपनी जो पिक्चर है उसे इंपोर्ट कर लेना है। ये मैंने पिक्चर इंपोर्ट कर ली है। इसके बाद सबसे पहले आप ऑटो पर क्लिक करें और देखें कि कोई अगर एडजस्टमेंट की ज़रूरत है तो वो कर दें। ज़रा से हाई लाइट्स और शेडोज़ वगैरह से खेलें। हाई लाइट्स वैसे ऑटो में वो फिक्स सेट करता है लेकिन उसे 60-70 के दरमियान रखें, पिक्चर पर डिपेंड करता है। इन्हें एडजस्ट करने के बाद कलर में जाएँ और यहाँ से मिक्स में जाके तो जो रेड कलर है उसकी सेचुरेशन को इंक्रीज़ करें, फ़ोटो की जितनी फ़ोटो पे डिपेंड करती है इंक्रीज़ डिक्रीज़ करें उसे। और जो लुमिनेंस है इसकी, लुमिनेंस उसकी ब्राइटनेस होती है, लुमिनेंस को काफ़ी इंक्रीज़ कर दें लगभग 60-70 के दरमियान। इससे जो कलर आता है, टेक्सचर, वो टिंट आता है वो अच्छा आ जाता है स्क्रीन पर। उसके बाद स्किन कलर की जो सेचुरेशन है उसे इंक्रीज़ करें और बाकी येलो कलर जो है उसकी सेचुरेशन को बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर दें और पर्पल और पिंक कलर जो है उसकी सेचुरेशन को बिल्कुल डिक्रीज़ कर दें। उनकी ज़रूरत नहीं है पिक्चर में, वो है भी नहीं, क्योंकि हमें ब्लू एक कलर चाहिए तो हम ब्लू को सिलेक्ट करके इसकी सेचुरेशन को मैक्स कर देंगे, डार्क ब्लू को भी और लाइट ब्लू की भी इसकी सेचुरेशन को मैक्स कर दें। यहाँ से डन करें, बैक जाएँ, नीचे वाइब्रेंस पर क्लिक करें, इसे थोड़ा सा इंक्रीज़ करें जितना पिक्चर को ज़रूरत है, 30-40 इसके दरमियान। अब इसके बाद दोबारा मिक्स पर क्लिक करें और स्किन कलर को सिलेक्ट करके उसकी जो लुमिनेंस है उसको हल्का सा डिक्रीज़ करें या इंक्रीज़ करें जितना पिक्चर को चाहिए, इंक्रीज़ कर दें थोड़ा सा। और स्काई ब्लू कलर की लुमिनेंस बिल्कुल डिक्रीज़ कर दें ताकि उसका जो डार्क सा एक इफेक्ट आता है ब्लू लाइट का वो आ जाए यहाँ बैकग्राउंड में। ये सिलेक्ट कर दिए, सैचुरेशन की मैक्स कर दें और जो इनका कलर है वो लुमिनेंस है वो बिल्कुल डिक्रीज़ कर दें। यू से इसकी लाइटिंग सेलेक्ट करें जो मुनासिब लगती है, सैचुरेशन को थोड़ा सा इंक्रीज़ करके देखें, अगर कोई अच्छा इफेक्ट आता है तो ठीक है, वरना सैचुरेशन को वहीं रहने दें जहाँ है। मोस्ट पिक्चर्स में अच्छा आता है लेकिन यहाँ पे नहीं आ रहा तो इसको ज़ीरो ही रहने देते हैं। इसके बाद जाएं जी इफेक्ट्स में, यहाँ से जो क्लैरिटी है उसको इंक्रीज़ करके देखें कहाँ तक अच्छी लग रही है और कहाँ से आगे बुरी लग रही है। तो ये इसको लगभग 3, 4, 5, 10 के अंडर अंडर रखें, इसे 9 पे रख दिया। और टेक्स्चर को इंक्रीज़ करके देखें, टेक्स्चर को भी लगभग 0 पे ठीक है, काफ़ी है। और वेजेंटा को बिल्कुल ही डिक्रीज़ कर दें, -80, -90 पे ले जाएँ तो ये डेप्थ सी क्रिएट हो जाती है वेजेंटा इफेक्ट से। और इफेक्ट्स पे ओके करके तो इसके बाद ऊपर शेयर पे क्लिक करके तो सेव टू डिवाइस कर दें। यहाँ से ये आपकी पिक्चर जो है ये एक्सपोर्ट हो गई है, ये हो रही है एक्सपोर्ट, ये फ़ोटो एक्सपोर्ट हो गई है। इसके बाद क्या करना है, इसी जो एडिटिंग आपने की इसका एक प्रीसेट बना लेते हैं। ऊपर 3 डॉट्स पे क्लिक करते हैं और यहाँ से क्रिएट प्रीसेट पे और इसको एक नेम दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लू एंड ब्लैक। यहाँ से इसको टाइप कर दें, इसको ओके कर दें। अब यहाँ से बैक करें ऊपर एरो पर क्लिक करके और कोई भी फ़ोटो सेलेक्ट कर लें जिसको आपने ब्लू लाइट में डालना है। तो मैं लेट्स से यहाँ से एक फ़ोटो सेलेक्ट करता हूँ अपनी पिक्चर्स में से, कोई एक सी फ़ोटो ले लेता हूँ। हर पिक्चर पे ये अप्लाई नहीं होता, कुछ कुछ पिक्चर्स होती हैं जो जिनमें स्काई होता है उन पर ब्लू लाइट होती है। यहाँ से मैं ये फ़ोटो सेलेक्ट कर लेता हूँ अपनी, ये फ़ोटो ओपन होगी। यहाँ पे जाके प्रीसेट पे क्लिक करेंगे और जो प्रीसेट आपने बनाया उस पर क्लिक करेंगे तो ये इफेक्ट जो है किसी भी पिक्चर पे आ रहेगा। इस तरह हर पिक्चर को एडिट करने की ज़रूरत नहीं होती और ये आपके पास आपकी एडिट बन गई है।